यूपी में एक तरफ कोरोना की दहशत जारी है तो दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इसी बीच ललितपुर में प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया है। घटना थाना बार इलाके के पास बड़ोदा डांग गांव की है, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थकों ने रैली निकालने को लेकर पुलिस से विवाद होने पर पथराव कर दिया। दरअसल शुक्रवार दोपहर में एक प्रधान प्रत्याशी के समर्थक क्षेत्र में रैली निकाल रहे थे। रैली की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे पारोन चौकी इंचार्ज अभिषेक कुमार सिंह पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पहुंच गए। ललितपुर में कोविड-19 के पालन को लेकर पुलिस जुलूस को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हो गई और फिर प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिससे चौकी इंचार्ज के सिर पर और सिपाही भरत पाल के पैरों में पत्थर लगने से दोनों घायल हो गए। जानकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष बार अंजनी कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक समर्थक वहां से भाग निकले। घायल चौकी इंचार्ज और सिपाही को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बार पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका उपचार किया। प्रधान प्रत्याशी समर्थकों द्वारा पुलिस पर हमला करने की जो घटना हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये थाना बार जो ललितपुर जनपद के अंतर्गत है, उसमें चौकी पारौन में एक गांव है बड़ौदा डांग करके, उसमें 2 बजे के आसपास जो प्रधान प्रत्याशी हैं उनके हस्बैंड मुन्ना लाल और उनके साथीगण द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी। 20 से 30 बाइक थी वहाँ पे, जो चौकी इंचार्ज थे वहाँ मौजूद थे, शांति व्यवस्था की ड्यूटी में थे वहीं पर। उनके द्वारा जब उनको समझाया गया कि आप रैली बिना अनुमति के ना निकालिए, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करिए, और समझाने के उपरांत कुछ लोग चले गए, उसमें सभी लोग चले गए, बट फिर भी प्रधान प्रत्याशी जो उनके पति हैं उनकी फैमिली के कुछ लोग वहीं पर रुके हुए थे, और फिर बहस उपरांत वहाँ पर उनकी तरफ से कुछ पत्थर चले गए, जिसमें पत्थर में हमारे जो चौकी इंचार्ज थे और उनके साथ में एक सिपाही था, उनके कुछ चोटें आई हैं। चोटों आने के उपरांत थाना का फोर्स वहाँ पर पहुँचा और भी आसपास के थानों का फोर्स वहाँ पहुँचाया गया। हम भी वहाँ पर मौके स्थल पर गए और जो हमारा चौकी था उनके हल्के फुल्की जो चोटें आई थी उनका तत्काल इलाज कराया गया, वो भी बिल्कुल ठीक है और अभी अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक मुकदमा इसमें कायम किया 147, 148 और जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका और 7CLA का मुकदमा इनके खिलाफ, जो प्रधान प्रत्याशी हैं उनके परिवार के और जो 10-12 अज्ञात लोग थे वहाँ पर कायम किया गया है। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की।